लो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो यहाँ पर कल से बहुत बड़ी सीरीज यहाँ पर स्टार्ट होने वो वाले हैं, वुमेंस बिग बैश लीग की यहाँ पर सीरीज स्टार्ट होगी। पहला जो मुकाबला है इस सीरीज का वो खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। मुकाबला जो है स्टार्ट होगा कल सुबह मॉर्निंग में 8:10 पर, और मैच जो है सेम वेन्यू यानी कि एडिलेड ओवल के ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का ओपनिंग मुकाबला यहाँ पर होगा। पूरी जानकारी इस मुकाबले की आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है। आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर मैं समझाऊंगा। देखो इस मैच से रिलेटेड जैसे कि इनका बैटिंग ऑर्डर हो गया, फाइनल टीम हो गई, और जो भी स्टैट्स रहेंगे सारे के सारे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टॉप पर पिन किया और मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह से जाकर आप काफ़ी आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो सबसे पहले तो देखो दोनों टीमों के बीच में 22 मुकाबले हुए हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम ने 10 जीते हैं और ब्रिस्बेन हीट ने 12 जीते हैं। तो अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो दोनों टीमें लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है। थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है ब्रिस्बेन हीट का, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब देखो वेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर जो लास्ट सीजन 3 मैच हुए थे ना इस वेन्यू पर, उसमें से 2 जीते थे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, एक में चेज हुआ था। और जो लास्ट 3 मैच यहाँ पर हुए थे लास्ट वाले सीजन 2023 के अंदर, वहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 15 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 7 विकेट दें, सेकंड इनिंग में फास्ट को 11 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट दें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को तो विकेट अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर 7 के 7 विकेट्स अच्छे मिलते हैं। विकेट जो है बैटर्स और फास्ट बॉलर्स को मदद करता है। एवरेज स्कोर 130 से 150 के बीच में यहाँ पर जनरली बनता है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेंस की टीम की। तो इनकी टीम की तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन करेंगी लोरा वोल्बाथ, कैटी मैक, फिर आएंगे इनकी कप्तान ताइला मेगरा, ओरला पेंडन ग्रेस, ब्रिजिट पैटरसन, मेडी पेना, जेमा बैर्सबी, अमंदा वेलिंगटन, मेगन शूर, डैर्सी ब्राउन और यहाँ से अनेशु मुसांगवे। तो ये इनके टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर चार चार ओवर डालने वाली बॉलर कौन है, तो सबसे पहला जो मेरे नाम आता है वो है अमंदा वेलिंगटन, जो कि मेरे हिसाब से पूरे 4 ओवर आपको देंगे। इसके बाद में दूसरा नाम आता है मैगन शूट, फिर यहाँ पर जो तीसरा नाम है वो आता है यहाँ पर डैर्सी ब्राउन, ये भी मोस्ट लाइकली आपको पूरे 4 ओवर देंगी। इसके अलावा अनेशु मुसांगवे भी मोस्ट लाइकली 4 ओवर डालने वाली बॉलर है। बाकी जो 4 ओवर बचते हैं वो मेरे हिसाब से ताइला मेगरा और ओरला प्रेंडर गेस्ट डाल सकती है। देखो बॉलिंग तो यहाँ से मेडी पेना और जेमा बैट्स भी कर सकती है, लेकिन इनके चांस कम रहेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ताइला मेगरा और प्रेंडर गेस्ट बाकी के ओवर यहाँ पर डालनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टैट्स। तो देखो लोरा वोल्बाथ जो है ओपन करेंगी कैटी मैक के साथ में। लोरा वोल्बाथ के नाम अगर आप देखोगे हेड टू हेड में 11 मैच में 316, 28 का एवरेज है ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, वेन्यू पर 8 मैच में 109 है। देखो वेन्यू पर रिकॉर्ड गंदा है, लेकिन अभी अपन ने देखा था T20 वर्ल्ड कप का इनका फॉर्म देखो अभी जो हुआ है, जहाँ पर फाइनल तक भी इनकी टीम पहुंची थी 42-40-7, 42-33, बहुत अच्छे फॉर्म में ये चल रही थी। तो मस्ट बी प्लेयर है केटी मैक है यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे ना हेड टू हेड में 21 मैच में 412 रन की 27 का एवरेज है, वेन्यू पर 8 मैच में 274 54 का एवरेज है। दोनों जगह पे रिकॉर्ड बढ़िया है। फॉर्म अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20 करके हुआ था ना, लगभग WBBL जैसा ही वो टूर्नामेंट था, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे, तो उसका रिसेंट फॉर्म आप देखोगे 37-13-26-47-2 है, बढ़िया प्लेयर है। ताइला मेगरा है, देखो अगर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करती है ना तो ताइला मेगरा सीधा सीधा कैप्टन की ऑप्शन यहाँ पर बन जाती है। हेड टू हेड में 22 मैच में 336 13 विकेट है, वेन्यू पर 24 मैच में 342 12 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 9 1 विकेट 0 विकेट 32-27 0 विकेट है, ये भी इनका T20A का फॉर्म है। ओरला पेंडर गेस्ट ये आयरलैंड की प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, 57 मैच में 1166 रन 33 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 52 0 विकेट और 80 2 विकेट है। तो बढ़िया प्लेयर है, अगर टॉप फॉर्म में खेलती है तो बिल्कुल आप टीम में इनको रख सकते हो। ब्रिजिट पैटरसन है, हेड टू हेड में 22 मैच में 408, वेन्यू पर 22 मैच में 270, रिसेंट फॉर्म 88-16-32 है, ये भी वही वाला T20 खेल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20, तो ये थोड़ा नीचे बैटिंग करेगी मेरे हिसाब से। मेडी पेना हेड टू हेड में 11 मैच में 135 1 विकेट है, वेन्यू पर 5 मैच में 96 है, रिसेंट फॉर्म 33 113 0 और 7 है। अब देखो इनकी 113 की पारी क्यों आई थी, क्योंकि वहां पर ये खेल रही थी
वन डाउन, लेकिन यहाँ पर इनको वन डाउन खेलने का चांस बहुत कम है कि मिले, मेरे हिसाब से नीचे ही खेलेगी ये। तो यहाँ से अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है, देखो लोरा वोल्बाथ को आप मिस नहीं करोगे, कैटी मैक है, टाइला मैग्रा है और ला प्रेंटरगेस्ट है, तो ये चार प्लेयर मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर है जेमा बैट्सबी, ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाती है, हेड टू हेड में 12 मैच में 6 विकेट है, वेन्यू पर 6 मैच में 3 विकेट है। रिसेंटली ये भी वही वाला टूर्नामेंट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20, जिसमें आप देखो 15-1 विकेट, 12-0 विकेट, 35-0 विकेट, 6-0 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म है। फिर आएंगे ऐसे अमंदा वेलिंगटन, भाई विकेट टेकर है, इनको तो आप दोनों कंडीशन में मिस मत करना। हेड टू हेड में 22 मैच में 168, 31 विकेट है, वेन्यू पर 23 मैच में 33 विकेट है, तो आप ऐसे प्लेयर को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। रिसेंट फॉर्म 12-1 विकेट, 1-4 विकेट, 22-1 विकेट, 10-1 विकेट है, फॉर्म भी इनका बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट प्लेयर है मेगन शूट, भाई इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है क्या कर चुकी है ये प्लेयर। हेड टू हेड में 21 मैच में 29 विकेट, वेन्यू पर 29 मैच में 23 विकेट, रिसेंट फॉर्म T20 का है, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। डेयर्सी ब्राउन, हेड टू हेड में 9 मैच में 12 विकेट, वेन्यू पर 6 मैच में 9 विकेट है। डेयर्सी ब्राउन आपके लिए पहला ट्रंप पिक मेरे हिसाब से बनेगी अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग यहाँ पर करती है, क्योंकि हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड शानदार है और वेन्यू पर भी रिकॉर्ड शानदार है। हालांकि फॉर्म अगर आप देखोगे ना T20 में, आप देखोगे वर्ल्ड कप में एक एक ओवर इनको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से ज्यादा बॉलिंग करवाएंगी। 1 विकेट 9 बैटिंग, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म है। अनेशु मुशांगवे हैं, हेड टू हेड में 3 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 3-0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट है। ये भी विकेट टेकर लेग ब्रेक बॉलर है। अभी के लिए देखो मैं ये 2 सेफ बॉलर रख रहा हूँ, लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है ना, उस कंडीशन में आप डेयर्सी ब्राउन के ऊपर रिस्क ले सकते हो, और अगर इनकी टीम बाद में बॉलिंग करती है तो आप अनेशु मुशांगवे के ऊपर, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत स्पिन होगा तो सेकंड इनिंग में ये प्लेयर आपके काम आ सकती है। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ 2 ही प्लेयर इनके रख के चल रहा हूँ। बाकी अब देख लेते हैं इनके बेंच के प्लेयर। तो बेंच पर कौन है, मैगी क्लार्क है, इन्होंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20 जो हुआ वहां पर 4 मैच खेले थे, 3 रन किए थे और 4 विकेट थे 13 ओवर डाल के, मतलब खेलेगी तो बॉलिंग करवानी चाहिए। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। इली जॉनसन T20 के अंदर 12 मैच में 113 है, ब्रिस्बेन हिट के खिलाफ नहीं खेली क्योंकि उन्हीं की एक्स प्लेयर है ये। रिसेंट फॉर्म 0-15-2-9-35 है। यहाँ से इलिनियोर लरोशा है, 5 मैच खेली है स्प्रिंग T20 में, 69 रन, 9 विकेट, 18 ओवर डाल के बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। रिसेंट फॉर्म 31-1 विकेट, 10-2 विकेट, 15-1 विकेट और 13-1 विकेट है। नेक्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पर स्मृति मंदना है, ये अभी नहीं खेलेंगी क्योंकि ये यहाँ पर बिजी है नेशनल ड्यूटी पर, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया वुमन की सीरीज चल रही है वहाँ पर ये खेल रही है। स्टार्टिंग ओवर डालनी चाहिए मैगन शूट, डेयर्सी ब्राउन डेथ में आनी चाहिए, मैगन शूट, वेलिंगटन और डेयर्सी ब्राउन यहाँ पर डेथ के अंदर आनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी टीम इनकी ब्रिस्बेन हीट वुमन की। तो ब्रिस्बेन हीट वुमन की तरफ से यहाँ से ओपन करनी चाहिए ग्रैस हैरिस और जॉर्जिया रेडमाइने, फिर आने चाहिए लॉरेन विनफील्ड हिल, चार्ली नॉट, शाइना गिंगा, लॉरा हैरिस, मिकाइला हिंक ब्रिगली और जेस जोनासन। जेस जोनासन हो सकता है कि आपको टॉप फॉर्म में बैटिंग करती नजर आ जाए, नदाने डिक्लर्क, लूसी हैमिल्टन, निकोला हैंकॉक, तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रहना चाहिए विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ से 4-4 ओवर डालने वाली बॉलर कौन है, तो सबसे पहला नाम आता है जेस जोनासन जो कि पूरे 4 ओवर देंगी। यहाँ पर दूसरी बॉलर है यहाँ पर निकोला हैंकॉक जो कि मेरे हिसाब से पूरे 4 ओवर देनी चाहिए। बाकी यहाँ पर नदाने डिक्लर्क मोस्ट लाइकली 4 ओवर, लूसी हैमिल्टन मोस्ट लाइकली 4 ओवर, बाकी के जो 4 ओवर है वहाँ पर चार्ली नॉट और उनके साथ में शाइना गिंगर है। और अगर इनमें से जैसे मान लो कि भाई निकोला हैंकॉक को ज़्यादा मार पड़ जाती है तो ग्रैस हैरिस भी थोड़ी बहुत बॉलिंग यहाँ पर करवा सकती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। स्टार्ट देख लेते हैं इनके। तो ग्रैस हैरिस आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में कुछ मैच में ओपन किया था इसने, हेड टू हेड में 20 मैच में 265, 8 विकेट, वेन्यू पर 7 मैच में 54, 1 विकेट है। इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा है, लेकिन इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड हिटर प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म 0-40-3 है। जॉर्जिया रेडमाइन ने 18 मैच में 344, वेन्यू पर 4 मैच में 101, इनका भी फॉर्म बढ़िया है, 23-41-96-35-13 है। लोरा विनफील्ड हेड हेल्थ ट्रेंड में 9 मैच में 141, वेन्यू पर 1 मैच में 8 रन, रिसेंट फॉर्म 11 और 12 है। चार्ली नॉट हेड ट्रेड में 8 मैच में 106, 3 विकेट है, वेन्यू पर 3 मैच में 27, 1 विकेट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तब। रिसेंट फॉर्म 21-1 विकेट, 30-0 विकेट, 10-1 विकेट, 17-1 विकेट है। शाइना गिंगर ये ग्रैंड लीग में ट्रंप का काम कर सकती है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20 हुआ ना वहाँ पर 6 मैच में 106 रन भी किए और 7 विकेट थे 21 ओवर डाल के, मतलब वहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही थी। रिसेंट फॉर्म 1-3 विकेट, 24-0 विकेट, 46-2 विकेट, 24-0 विकेट है। लोरा हैरिस हिटर है, हेड टू हेड में 18 मैच में 183, वेन्यू पर 6 मैच में 33, रिसेंट फॉर्म 4-17-4-4-10 है।
तो यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों तो बिल्कुल मिस मत करना। इसके अलावा चार्ली नॉट क्योंकि ऑलराउंडर है, ट्राई कर सकते हो। शाइना गिंगर क्योंकि भाई देखो बड़े लेवल पर अभी नहीं खेली है। ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20 में अच्छा किया लेकिन बड़े लेवल पर ही अभी तक उतना ज्यादा नहीं खेली है, तो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। मिकाला ब्रेगली ये भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्प्रिंग T20 में 5 ओवर में 78 रन, रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग, 25-32-4-17 है। जेस जोनासन भाई विकेट टेकर है, 22 मैच में 352 विकेट है। और टॉप ऑर्डर में अगर खेलेंगे तो आप इनको CBC भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेन्यू पर 11 मैच में 66-12 विकेट, रिसेंट फॉर्म 11-0 विकेट, 6-1 विकेट, 17-0 विकेट, 26-1 विकेट है। नेक्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पर नदानी डिकलक, ये सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट में काम आएगी क्योंकि डेथ में आ जाती है। हेड टू हेड में 4 मैच में 33-1 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 18-0 विकेट है। रिसेंटली T20 में 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट रिसेंट फॉर्म है। लूसी हैमिल्टन करियर में 11 मैच में 2 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। निकोला हैंकॉक बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड में 19 मैच में 14 विकेट, वेन्यू पर 5 मैच में 7 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट है। तो यहाँ से अभी के लिए मैं सिर्फ जॉस जोनासन को रख रहा हूँ और नदानी डिकलक को रख रहा हूँ। ये भी दोनों तब रहेंगी जब पहले बॉलिंग इनकी टीम करेगी। बाकी देख लेते हैं बेंच पर। तो बेंच पर है बॉनी बैरी, T20 में यहाँ पर देखो 2 मैच में 2 विकेट है। यहाँ से सिका पांडे हैं, करियर में 62 मैच में 208-43 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 4 रन 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 1 विकेट 25-0 विकेट 5-2 विकेट 28-1 विकेट है। कैरस पैरसन है, 2 T20 में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है। जमेमा रोड्रिक्स नहीं खेलेंगे, ये भी नेशनल ड्यूटी पे हैं अभी। स्टार्टिंग ओवर डालनी चाहिए जेस जोनासन, निकोला हैंकॉक, डेथ में आनी चाहिए नदानी डिकलक, निकोला हैंकॉक और जेस जोनासन। अब देखो एनालिसिस वाला पार्ट तो हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो डेमो टीम के अंदर मैंने विकेट कीपिंग सिक्सेस रखा है, जोजा रेडमाइन है, लोरा वोलबाथ, क्रेस हैरिस, इनके बाद में जो नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ से कैटी मैक, फिर यहाँ पर मैंने रखा है ताइला मैगरा, जेस जोनासन, नदाने डी क्लर्क, ओल्ड्रा प्रेंड्रगेस्ट, मेगन शूट, निकोला हैंकॉक, अमंदा वेलिंगटन। कैप्टन मेरी ताइला मैगरा, वाइस कैप्टन जेस जोनासन। बाकी फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।